ये कोड़ा है, जितना यूज करेंगे उतना ही काटेंगे। तो इतना ले रहे हैं और इसको इस तरह से, पहले दो के लिए थे, इस तरह से छील लेंगे। और देखिए आप, हाफ सेंटीमीटर का चौड़ाई लेते हुए इसका स्लाइस बना लेंगे। जो भी शेप रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली चौड़ाई का ध्यान रखना है। तो ये देखिए, इस शेप में मेरा तैयार हो गया है। ये देखिए, हाई फ्लेम पे कढ़ाई में पानी रख दिए थे, ये सादा नॉर्मल पानी था, और ये गर्म होके इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है। तो अब ये चलनी रखेंगे इस तरह से, और चलनी में अपना भेज डाल के, भेज का पेस्ट डाल के इस तरह से ढक देंगे, और 5 मिनट के बाद उसको देखेंगे। अगर कोई कसर बचा रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ रहेगा, तो दोबारा से उसको कर लेंगे। ऐसा करके हाफ डे ही करना है, बाकी उसको बैटर के साथ तलते टाइम वो सीजिएगा। लहसुन का पेस्ट बनाएंगे, इसके लिए ये 3 मीडियम बड़ा साइज का लहसुन का गुच्छा ले लिए हैं, और इसका दाना, सारा दाना निकाल कर अच्छे से छील के धो के साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, इतना सारा दाना, एक मुट्ठी के आसपास ये दाना तैयार हो गया है, और इसको अब पीसेंगे लोड़ी प्लेट पे। इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर मिक्सी में पीसेगा तो ये गर्म हो जाता है, इसलिए वहाँ पे नॉर्मल पानी में ही आइस क्यूब लेके पीसेगा, ताकि ये गर्म ना हो और पेस्ट भी अच्छा से बन जाए। और दूसरा, मिक्सी में पीसते टाइम इसमें पानी यूज नहीं होता है, तो वहाँ पे बिना पानी यूज किए पेस्ट बन नहीं पाएगा। तो इसलिए लोहे सिलोट का या सिलबट्टे का ही इस्तेमाल में। ये देखिए, पेस्ट हो गया है तैयार। इसको इस तरह से, ये लगभग 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, तैयार हो गया है देखो, और थोड़ा सा पानी के साथ। ये पेस्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे आधा केजी मैदा है, लेकिन इसमें से आधा ही यूज करेंगे 250 ग्राम से। तो और ये छलनी है, ये छलनी मैदा छलने वाला है, यहाँ का छलने वाला से काफ़ी बारीक होता है, तो यही छलनी लेना है। तो ये 250 ग्राम मैदा ले लिए। और फिर इसको अच्छे से चाल लेंगे, ताकि
ताकि गुठली ख़त्म हो जाए और कीड़ा जो रहे वो सब ऊपर ही रह जाए। ऐसे मैदा चलाए, तो ये देखिए, और बाकी इसका बचा हुआ फेंक लेंगे। अब इसको जो लहसुन पिसा हुआ था इसी कटोरे में ये सब को डाल लेंगे। मैदा डाल लिया, ये मिर्च पाउडर टेस्ट से, और ये टेस्ट से नमक, बाकी फिर चेक करके ठीक कर लेंगे। और इसको जरा बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए, सारे मिला लिए, और इसका बैटर बनाने के लिए पानी, नॉर्मल पानी इस्तेमाल में लेंगे। ये देखिए डालते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। धीरे धीरे डालेंगे, धीरे धीरे मिलाएंगे। हाथ से भी कर सकते हैं। तो अभी ये नहीं हुआ है, ये भी काफ़ी गाढ़ा है, लेकिन इसको अच्छे से फेंट लेंगे, अभी गुठली रहेगा तो ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से फेंटना है, और इसमें नमक और मिर्च का टेस्ट और लहसुन का टेस्ट हार्ड ही रखना है। ये देखिए इस तरह से गिरता हुआ है। तो ऐसा ही हमको चाहिए, ये देखिए लास्ट तक। इसमें एक चम्मच के करीब ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो पकौड़ा पे इस पर इसका लेयर नहीं चढ़ पाएगा, और ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे, फिर वो ज़्यादा इसका लग जाने से टेस्ट ख़राब आएगा, तो इसलिए इसका थिकनेस ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए ये पुआ जैसा बैटर हो गया है, और इसको 5 मिनट रेस्ट पर रखेंगे, नमक मिर्च टेस्ट करके बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए हाई फ्लेम पे कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं फ्राई करने के लिए, और सारे जो भी इस भेज जो यूज किए थे उसको फ्राई करने से पहले एक बार स्टीम लगा दिए थे 5 मिनट, या जैसा मोटाई हो ट्रांसपेरेंट होने तक। और इधर मेरा बैटर भी तैयार है 5 मिनट रेस्ट के बाद। ये देखिए ऐसा इसका थिकनेस है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो कढ़ाई अब गर्म हो गया है, तो इसको सरसों तेल में फ्राई करेंगे। डाल लिए, तेल डालिए, और तेल को हाई फ्लेम पे धुआं आने तक गर्म करेंगे, फिर इसमें बैटर में लपेट के डालेंगे।
तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा बैटर लेके एक बूंद डालेंगे। ये तुरंत ऊपर आ गया है, मतलब ये अच्छे से तेल गर्म हो गया है फ्राई होने। तो इसको आप बाहर कर लेंगे। तेल गरम हो गया है और धुआं आने लगा है। ये कोहरा है, इसको छील के स्टीम लगा लिए थे। फिर इसको स्टीम लगाने के बाद उसको फैला कर थोड़ा देर ठंडा होने दिए, और थोड़ा सा पानी भी इसके ऊपर का ड्राई हो गया। तो इसको अब बैटर में डालेंगे। बैटर पे इस तरह से डालकर ये धुआं गरम गरम तेल में डालेंगे। तो ये जो रखे हैं, रखने के बाद ये देखिए, रखने के बाद इसको चम्मच से इस तरह से पलटना है, और फिर इसको डायरेक्ट उठा के ये देखिए, ये पलटे डाला हुआ। और फिर एक्स्ट्रा बैटर को निकाल लेंगे और इसे कढ़ाई में डाल देंगे। फिर ये जो रखा हुआ है इसको चम्मच से ही पलटेंगे, और ये इसको इस तरह से उठा के रख, और जब नीचे का कलर चेंज हो जाए तो फिर इसको पलट लेंगे। कलर लाइट गोल्डन पसंद हो तो लाइट गोल्डन निकाल लेंगे, डार्क पसंद हो तो डार्क निकाल लेंगे। तब तक वेट करेंगे, और ये दोनों साइड से सिझाएंगे। पिंक कलर आ गया तो अब इसको बाहर कर लेंगे। अभी मेरे खाने के लिए तैयार हो गया है।